हम जानते हैं कि पिछले दिनों पुलिस ने कहा था कि किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज जो क्राइम्स हैं, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, संगठित अपराध हैं, उनको लेकर के पुलिस बहुत गंभीर है। और इस तरह एक नार्को हेल्पलाइन भी पिछले दिनों पुलिस ने जारी किया था। उस नार्को हेल्पलाइन पर पिछले दिनों लगभग 20 से ज़्यादा शिकायतें आई, जिसमें कई गंभीर किस्म की थी। उस पर एक कुछ शिकायतों को बहुत ही महत्वपूर्ण पाया गया, उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। उसको देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने लगातार 3-4 दिनों में उस पूरे प्रकरण पर नज़र रखी, उस व्यक्ति पर नज़र रखी, तो एक बड़ी ही सनसनीखेज उसमें एक जानकारी मिली। और अंततः पुलिस ने आज उसमें एक बड़े एक गैंग को पकड़ा है। गैंग की एक महत्वपूर्ण महिला जो कि उसकी संचालित करती है, यह मुख्य तौर पर एक पूर्व में एयर होस्टेस रह चुकी है और साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में पूर्व में ये काम कर चुकी है। इसका एक पूरा नेटवर्क मिला है, जिसमें मुंबई से MDMA ड्रग्स लाना पाया गया। और अभी जो ड्रग्स जब्त की गई है, ये लगभग 10 लाख रुपए की यह ड्रग्स है। इसके पूरे नेटवर्क को तलाशा जा रहा है, पूरे नेटवर्क से जुड़े कई जानकारियाँ मिली हैं। मुख्य तौर पे पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ लेकर के जो जीरो टॉलरेंस अभियान है वो बिल्कुल जारी रहेगा। कुछ और जानकारियाँ आई हैं, अगर पुनः मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी इलाके में किसी जगह पर आप किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि वहाँ पे कोई संवेदनशील ऐसी जानकारी या संवेदनशील ऐसी संदिग्ध चीज़ दिखती है जो कि लगता है कि युवाओं को ड्रग्स की तरफ ढकेल सकती है, तो उसको लेकर के वो सामने आए इस हेल्पलाइन नंबर पर जो कि 7049100883 है, 7049100883 इस नंबर पे सूचना दे सकते हैं। उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। पुलिस की एक टीम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और मुख्य तौर पर युवाओं को अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित कर रही है, उनके भविष्य को अंधकारमय कर रही है, तो ड्रग्स है। शहर के 90% जो मामले होते हैं मुख्य तौर पर चैन स्नैचिंग, लूट और संगठित अपराधों के, उसमें 20 से 25 साल 26 साल तक के युवा रहते हैं। और जो सनसनीखेज घटनाएं होती हैं उसमें से लगभग 90% से ज़्यादा मामलों में युवा ड्रग्स का लेकर के और इस तरह की घटनाओं को देते हैं। अभी हाल के दिनों में भी जो पुलिस ने जो उन दोनों आरोपियों को पकड़ा जिन्होंने लूट की कोशिश की थी, वो भी ड्रग्स के आदि पाए गए थे। इसलिए इस मामले को लेकर के पुलिस बहुत गंभीर है और क्राइम ब्रांच ने इसमें काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। पूरे सूचना को बेहतर ढंग से डेवलप किया है और लगातार इस कार्रवाई में लगभग 10 लाख रुपये से ज़्यादा की ड्रग्स पर। महिला मुख्य तौर पर बच्चों के जो 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 बच्चे को जो जो पैड्स यूज करते हैं, छोटे बच्चों के 2-3 साल, उस तरह की चीज़ों में इसे लाया गया कि उसको ला करके और उनमें छुपा करके अलग शहरों से, मुख्यतः मुंबई से और उसके आसपास के कुछ जगहों से इसके संबंध मिले हैं, वहाँ से लेकर के लाने की कोशिश इसमें की गई थी। और पूर्व में ये जैसा मैंने बताया कि यह एयरलाइंस में काम करती थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है, और उसके बाद कुछ वर्षों से इसने इस तरह के धंधे में उतर करके यह अवैध व्यवसाय शुरू किया। लेकिन जैसा कि पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया, अंत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। सर, आपने कहा कि एयर होस्टेस थी नामी यह कंपनी में, तो सर क्या वजाहत रही कि ये इस धंधे में इस लाइन में उतर रहे? इसमें मुख्य तौर पर एक यह भी देखा गया कि उसके बाद एक व्यक्ति से जो भी सामाजिक परिस्थितियाँ रही हों, किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद, वह व्यक्ति भी पूर्व में ड्रग्स के कारोबार में लिप्त था, संभवतः उसके बाद यह एक परिवर्तन दिखता है। लेकिन बाकी चीज़ें अभी जांच की हैं कि इसमें जुड़े हुए और भी लोग हो सकते हैं, और भी एक नेटवर्क हो सकता है, या स्थानीय स्तर पर खपाने के लिए जो युवाओं को मोहरा बनाया जाता होगा वो भी इसमें सामने आ सकते हैं। पुलिस की बहरहाल कोशिश है कि इस तरह के मामलों को लेकर के जीरो टॉलरेंस पर काम करें।